आर यू रेडी गाइस? हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो आज मैं सुबह सुबह पूरा रेडी तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप लोग जैसे सोच रहे होंगे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं गांव, क्योंकि गांव में आज कन्फर्मेशन ले रहे हैं, तो वहीं पे आज चढ़ जाएंगे। तो फिर निकलते हैं अभी। पापा इधर रेडी होके बैठे हैं, मेरी बहन वो अभी तक रेडी नहीं हुई है, उसी का वेट चल रहा है। पापा का जैसे चेहरा देख सकते हैं कैसे पूरा तो देख, जैसे कि ये आ चुकी है, तो निकलते हैं फिलहाल। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी आधा दूर तक तो पहुंच गए। इधर मेन रोड को हम लोग छोड़ के हम लोग का गांव रास्ता हम लोग पकड़ चुके हैं, तो उतना दूर से हम चला के लाए। और अभी मेरी बहन चलाएगी बोल रही है, पता नहीं क्या कर रही है मिरर में। तो मम्मी लोग पेट्रोल पंप घुसे थे तेल भराने के लिए, तो वो लोग भी आते होंगे, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। मेरा खांसी भी स्टार्ट हो गया था, तो पानी पी लेंगे सोच रहे हैं। फिर देखिए, वैसे भी घर में हम सोचे कि ब्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं सोचे, क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था, हड़बड़ी में स्टार्ट किया, पता नहीं कैसा हुआ होगा। फिर अभी जाएंगे, लेट तो हो चुका है, स्टार्ट हो चुका होगा मास्क। मम्मी कॉल की थी, वो बोली कि वो लोग निकल चुके हैं, मतलब आगे वाला रास्ता पार हो चुके हैं वो लोग, और हम लोग ना यहाँ पे खड़े हुए थे। और मम्मी अभी कॉल की बोली कि तुम लोग वाला रास्ता चले जाओ, हम लोग इधर से आ रहे हैं। पापा भी कुछ नहीं बोले थे, तो हम लोग इधर घुस गए हैं। मतलब रास्ता इधर जाने का ना, गाँव जाने का 3-4 ठू है, तो हम लोग एक वाला में घुसे हैं, मम्मी लोग दूसरे वाले में घुसे हैं। तो मम्मी बोली कि तुम लोग चले जाओ, हम लोग आएंगे। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए। इसको ना उधर क्यों नहीं दिया कि नया नया चलाने सीखी है ना, तो हम भी थोड़ा डरे, इसीलिए नहीं दिए इसको चलाने। और ये बोले कि हम चलाएंगे वहां से, तो हाँ ठीक है। अभी हम लोग बाहर तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फूल वगैरह भी खरीदना था, लास्ट में उन लोग से मिलेंगे ना उस टाइम। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे फूल रखा हुआ है, तो बेच रहे हैं। मेरे को ये सब बनाने आता है, अगर कोई मेरा पहला पिछला ब्लॉग सब देखते आ रहे हैं तो उन लोग को पता रहेगा कि मेरे को बनाने आता है ये वाला फूल। तो हम लोग जल्दी जल्दी में निकले, तो ओरिजिनल फूल तो लेने नहीं सके, तो बस अभी खरीद रहे हैं और फूल देख उन लोग से मिलेंगे। अभी घर के खाना उना खा के थोड़ा बैठे हैं, और मैं अपना नानी से आपको मिलाती हूँ। पानी पियल की फोटो का। हाँ ए दे, वीडियो बना था नानी। जय यीशु कह दे। जय यीशु, जय यीशु, धन्यवाद। हम लोग का गांव में टोटल 4 जन सीखे, तो 2 घर में सीखे, 2-2 जन करके। तो अभी बुलाए हैं, वहाँ पे भी जाना है, तो आधा मतलब डिवाइड हो गए हैं हम लोग। आधा लोग गए हैं ये ऊपर टोली में, उधर आगे तरफ, और हम लोग जा रहे हैं गिरजा टोली तरफ। तो फिर अभी थोड़ा मतलब फ्रेश होने ले से क्या, मतलब आ करके खा पी के थोड़ा रेस्ट कर लिए, सो लिए थे। धूप तो वैसे भी बहुत ही आ रहा है। आम पेड़ के नीचे बैठे हैं, बैठे थे, अभी तो खड़े हो गए हैं। फिर अभी जाएंगे उधर बोल के, थोड़ा बालूल बना लिए, थोड़ा बना लिए बोला, उसमें खोपा कर लिए हैं, फिर चलते हैं। तब
मम्मी और दादी इधर बैठे हैं, बैठ के बातें कर रहे थे। तुम हम अभी आए हैं, फिर निकलेंगे अभी। समाज जीवन कितना सुंदर, कितना महान। समाज जीवन कितना सुंदर, कितना महान। समाज जीवन चले मिले, समाज जीवन चका माका। समझ जीवन झिली मिली, समझ जीवन झका माता। सो गाइस, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि दोपहर को इतना ज़्यादा धूप है और अभी शाम को इतना जल्दी मतलब मौसम बदल गया, बारिश आने को हो रहा है। बारिश एक दो तो गिरा भी रहा है, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। एक ही बार आप लोग को घर जाके मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और नहा धोवा के फ्रेश होके मैं पूरा मतलब अभी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। तभी एक्चुअली क्या हुआ ना कि प्रेयर ख़त्म हुआ और वो जो गिफ्ट्स वगैरह सब कोई दिए, फिर जाके ना खाना खाने के टाइम तो बारिश जैसे मौसम कर लिया और बारिश आने ही वाला, तो हम जल्दी जल्दी खा लिए और वापस घर के लिए निकल लिए ना, तो इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाए उसके बाद। तभी घर आके बना रहे हैं। तो या अच्छा लगा, दिन तो अच्छा था। और अगर आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।